डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन भी। अरे यार तो इसको कट कर देना। हेलो गाइस, सो वेलकम टू ब्रांडेड ब्लॉग। और आज हम आपको दिखाएंगे हॉस्टल टूर, क्योंकि हम हॉस्टल आ चुके हैं अपने हॉस्टल में। हमारा हॉस्टल नंबर 2 है और आपको हम दिखाएंगे। चलो गाइस, देखते रहिए, बने रहिए ब्रांडेड ब्लॉग में। चलो सो गाइस, ये रहा हमारा हॉस्टल, हॉस्टल नंबर 2, नेम शरद। हमारे हॉस्टल का नाम है शरद। और इसके अंदर चलते हैं गाइस, हम आपको दिखाते हैं हर एक चीज़ कि हॉस्टल के अंदर क्या क्या फैसिलिटी होती हैं और कैसे रहते हैं हम सब। चलो गाइस, देखते रहिए, बने रहिए ब्रांड ब्लॉग में। सो आप लोग देख रहे होगे, यहाँ हॉस्टल में सिर्फ एक ही गेट है और यहाँ से हम एंटर करेंगे। हम एंटर करते ही सामने हमारा आ जाता है डाइनिंग हॉल। सो हमारे यहाँ सामने है डाइनिंग हॉल। सो गाइस, अभी तो ये बंद है लेकिन इसके अंदर हम सब खाना खाते हैं सुबह और शाम को, इसलिए गाइस ये डाइनिंग हॉल है। और बकायदा गाइस, ये जो है ये सिक्योरिटी गार्ड यहाँ रहते हैं, उनके लिए ये रूम प्रोवाइड किया गया है आराम से। और अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पर, पंखा भी, लाइट भी है आराम से, और यहाँ पर बेड लगा सकते हैं। और गाइस, जो ये रहा आप देख रहे होगे वार्डन रूम। हमारे यहाँ हॉस्टल में वार्डन होते हैं और जब भी वो आते हैं, मतलब कि उनका एक पर्टिकुलर ऑफिस है और यहाँ पर बैठते हैं। अगर हमें कुछ काम होता है तो हम उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं। सो गाइस, आप देख रहे हो ये हमारा पूरा हॉस्टल का सीन है बढ़िया से। चलो गाइस, पहले तो हम आपको अपना रूम दिखाते हैं कि हमारा रूम कहां पर है। हमारा रूम सेकंड फ्लोर में गाइस। चलो सो गाइस, ये रहा हमारा रूम और आपको दिखाते हैं अपना रूम। सो गाइस, हमारा जो रूम है ये 3 लोगों के लिए है और हम यहाँ पर 3 लोग रहते हैं। यहाँ पर ब्रिजवान रहता है, वो अपना बेड लगा सकता है, अभी वो आया नहीं है, जब आएगा अपना बेड लगा लेगा। और यहाँ पर शिवानशु रहता है, वो अपना बेड लगा लेगा जब आएगा तो। और गाइस, ये रहा मेरा बेड जो मैं आ चुका हूँ। सो गाइस, हम आपको बता दें कि हमारे हॉस्टल में कम से कम 218 रूम है और हमारा हॉस्टल 3 मंजिल का है। और गाइस, हम आपको दिखा रहे हैं अभी रूम, ये रूम है, इसमें 3 लड़के रह सकते हैं आराम से। जैसे कि मैंने बताया, मैं और शिवानशु और बिजवान रहते हैं। और आगे चलते हैं और आगे भी लोग, किसी का 2 लोग रहते हैं एक रूम में, कोई एक रूम में अकेला रहता है। सो गाइस, वो भी रूम हम आपको दिखाते हैं। चलो गाइस, बने रहिए, देखते रहिए ब्रांडेड ब्लॉग। सो गाइस, हम आपको दिखा सकते हैं ये जो रूम है, यहाँ पर 2 लोग रहते हैं, गोविंद और अंकुश। सो गाइस, ये 2 लोगों के लिए रूम बना हुआ है। और बकायदा ये बेड है और सामने अलमीरा है और चेयर भी है गाइस, और टेबल भी है, आराम से आप बैठ के पढ़ सकते हो। और गाइस, पंखा भी है और यहाँ लाइट भी है। और सामने आपको एक विंडो मिल जाती है, इस विंडो को आप खोल सकते हो, हवा भी आ सकती है अच्छे तरीके से। सो गाइस, ये रहा हमारे हॉस्टल का वॉशरूम, आपको दिखाते हैं।
गैस आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो, ये हाथ धोने के लिए है और इस साइड ये वॉशरूम करने के लिए है। और गैस ये रहे हमारे वॉशरूम, और यहाँ पर आराम से आप बाथिंग कर सकते हो और यहाँ पर शावर भी लगा हुआ है, आराम से चला के नहा सकते हो। गैस हम आपको दिखा दें, पानी तो आता होगा। हाँ पानी आता है गैस, ऊपर शावर है, आराम से नहा सकते हो। और सामने एक खिड़की है और जहाँ से हवा भी अच्छी तरीके से आती है और नहाने में अच्छा भी लगता है गैस। गैस इसी तरीके से हमारे हॉस्टल में हर कोने में वॉशरूम बने हुए हैं, सुविधाजनक हैं, आप आराम से जा सकते हो, फ्रेश हो सकते हो। और गैस हमारे हॉस्टल में फ़ौरन वॉशरूम भी हैं, आपको हम दिखाएंगे नीचे जाके, वो नीचे हैं, वो ऊपर नहीं है। मतलब कि किसी को बैठने में दिक्कत होती है तो उस वॉशरूम में वो जा सकता है, आराम से बैठ सकता है। सो गैस हमारे यहाँ पर है ये फ़ौरन टॉयलेट, यहाँ से आराम से बैठ के आप फ्रेश हो सकते हो। चलो गैस हम आप चलते हैं छत के ऊपर और गैस आपको दिखाते हैं कि छत के ऊपर क्या है हमारे हॉस्टल में। तो गैस ये रहा हमारे हॉस्टल का थर्ड फ्लोर, आप देख रहोगे 206 रूम नंबर है गैस इधर। सो गैस हमारा हॉस्टल कुछ ऊपर से ऐसा दिखता है। चलो गैस छत के ऊपर चलते हैं और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि छत के ऊपर क्या क्या है। सो गैस हमारे यहाँ पर छत के ऊपर अच्छी फैसिलिटी है, हमारे यहाँ पर टंकी हैं, लगभग 4 टंकी हैं आप देख रहे होगे वाटर के लिए। सो गैस आप देख रहे होगे यहाँ पर ये 5000 लीटर की टंकी है, मतलब कि अच्छी फैसिलिटी है, आराम से बच्चे नहा धो सकते हैं। सो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 मतलब कि हमारे हॉस्टल में 4 टंकी हैं आराम से, और 218 रूम हैं। हाँ तो बल्कि हो जाता है आराम से, सब बच्चे नहा धो लेते हैं, पानी की अच्छी फैसिलिटी है गाइस। अगर हमारे हॉस्टल में कभी कभी पानी कमी पड़ती है तो हम सर को फ़ोन करते हैं कि सर पानी नहीं आ रहा है, तो उधर से परमिशन लेके पानी चलवा दिया जाता है तो पानी गाइस आ जाता है। ऐसे गाइस यहाँ बांदा में पानी की बहुत कमी है, लेकिन इतनी ज़्यादा ही प्रॉब्लम नहीं होती है पानी की, क्योंकि हम यहाँ पर हॉस्टल में रह रहे हैं तो टीचर लोग हमारे पे ध्यान देते हैं, बच्चों पे, कि बच्चे भी अच्छी तरीके से रहें हॉस्टल में। सो गैस यहाँ पर फैसिलिटी बहुत अच्छी है। सो गैस आप देख सकते हो कि हमारा हॉस्टल ऊपर से ऐसा दिखता है। गैस हमारे हॉस्टल के सामने और हॉस्टल हैं, उधर आगे हॉस्टल हैं, और गैस हमारे हॉस्टल के सामने ये वेटरनरी कॉलेज है, ये भी चालू होने वाला है लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है। गैस यहाँ से देख सकते हो ये एग्रीकल्चर कॉलेज यहाँ से दिख रहा होगा, और गैस आप वहाँ पर देख रहे हो जो पीने की टंकी है ये भी आपको दिख रही होगी, पूरा पानी यहीं पर आता है, फिर यहाँ से हमारे हॉस्टल में आता है पानी। गैस यहाँ पर आप देख रहे होगे यहाँ पर तार बनी हुई है, आराम से बच्चे यहाँ पर कपड़े सुखा सकते हैं। गैस आप देख रहे होगे गैस हमारा ये रहा दूसरा छत जो नीचे में है। गैस यहाँ पर ठंडियों में हम बैठ सकते हैं आराम से, बातचीतें कर सकते हैं। मेरे दोस्तों आप यहाँ पर एक टंकी देख रहे होगे, ये टंकी रखी हुई है और ये टंकी उसके लिए है पानी पीने के लिए। गैस इसके अंदर पानी लोड होता है, फिर उसके बाद हम पानी यहाँ पर पी सकते हैं आराम से। ये कम से कम गैस 3000 लीटर की टंकी है, तो ये भी अच्छी है, मतलब कि 218 रूम है तो, और उसके हिसाब से बच्चे भी रहते हैं तो उनके लिए गैस सही भी है। और हमारे सामने एक ये हॉस्टल है, हेमंत हॉस्टल है गाइस, आप देख रहे होगे। आप देख रहे होगे यहाँ पर कॉमन रूम है लेकिन ये यूज़ नहीं होता है, हमेशा ये ताला बंद रहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन इसको यूज़ करना चाहिए। गाइस हर हॉस्टल में इलेक्ट्रिक रूम होता है जहाँ पर वायर का सिस्टम होता है। अभी ये रूम खुल सकता है। हाँ गाइस
आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा ये इलेक्ट्रिक का सामान है। यहाँ से लाइट स्विच ऑफ ऑन ये हो सकती है, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से चेक किया जा सकता है। सो मेरे दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर एक सोलर पैनल है, ये हमेशा चालू ही नहीं होता है, बंद ही रहता है, पता नहीं क्यों। सो गाइस, अभी हम छत के ऊपर जा रहे हैं और दिखाते हैं कुछ सीन, कुछ लड़के हो सकते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगता है। सो गाइस, देखने में तो यहाँ पर अजय मिला है और इसे पूछते हैं अजय से कि इनको कैसा लगता है यहाँ पर हॉस्टल में। अज्जू, या हेलो। सो ये बताइए कि आपको हॉस्टल में कैसा लगता है। माय नेम इज अजय राजपूत, आई एम फ्रॉम हमीरपुर एंड टुडे आई एम स्पीक सम स्टूडेंट लाइफ। सो माय अकॉर्डिंग टू माय लाइफ अकॉर्डिंग टू माय लाइक स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ पीपल्स आर स्टे हियर डिफरेंट लोकेशन वी। अरे यार, थोड़ी इसको कट कर देना। सो गाइस, आप देख रहे होगे ये है मेश और चलते हैं इसके अंदर क्या क्या है। कब आएगा भाई? सो गाइस, यहाँ पर है चेयर और यहाँ से ये चेयर नीचे रखी जाती हैं, आराम से हम बैठ सकते हैं। आज मेश और देख भाई, तुम चालू हो गए और क्या। सो गाइस, यहाँ पर एक खाना बनाने वाला गैस चूल्हा और सामने फ्रिज। और गाइस, यहाँ पर है बर्तन धोने वाला, आराम से बर्तन धो धुले जाते हैं। और खाने के लिए गाइस, खाना यहाँ रख दिया जाता है, आराम से उठा के खाना खा लो, कोई दिक्कत नहीं है।